नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छी खबर है। जिन लोगों ने भी यमुना प्राधिकरण के अंडर में जो प्राइवेट बिल्डर आते हैं उन्होंने अपने फ्लैट बुक कराए हुए थे और उनको काफ़ी टाइम से जो है उनके फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है, तो यमुना प्राधिकरण ने जो है एक पूरी जो है रिपोर्ट तैयार की है किस किस का है फ्लैट, कहाँ पर है, किस बिल्डर के अंडर में है। तो उनको कब्जा दिलाने के लिए जो है उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। तो उसमें जो बिल्डर हैं तकरीबन 15 बिल्डर ऐसे हैं जिनमें जिनके अंदर जो है करीब 9400 फ्लैट हैं जो कि लोगों के अभी उनको पोजीशन नहीं मिला है। तो अभी अगस्त में कुछ हुए थे और कुछ सितंबर में हुए हैं, रजिस्ट्री सब लीज बेसिकली हुई है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको मालूम है कि जो लीज़ होती है बेसिकली वो तो बिल्डर करवा लेता है अपने नाम से, जो यमुना प्राधिकरण से बिल्डर के पास जाती है लीज़, मेन लीज़, और वो फिर सब लीज़ करता है कस्टमर को यानी कि हम लोगों को। तो यहाँ पर 15 ऐसे बिल्डर हैं, तो उनमें से जो है सबसे बड़े आपके भाई साहब जो सुपरटेक वाले हैं जिसको कि सब जानते हैं, और एक आपके भाई साहब JP एसोसिएट वाले हैं और ATS वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं प्रोजेक्ट, ऐसे बिल्डर हैं जिनमें जो फ्लैट है जो बकाया है लोगों का वो मिल चुका है उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक भी पोजीशन नहीं दी थी। तो अब जो है इस पे कार्रवाई की जा रही है, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, जिन्होंने इसमें अपने फ्लैट बुक कराए हुए हैं उनको अब कब्जा जल्दी ही मिल जाएगा। दिसंबर तक मिलने की उम्मीद है, 31 दिसंबर तक की डेट दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको उसको बता देता हूँ कि किस किस में कितने कितने फ्लैट हैं जो कि अभी तक दिए जाने हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एमराल्ड की। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 115 फ्लैट हैं जो कि लोगों को दिए जाने हैं, उनका जो है पैसा लेकर के वो बैठे हुए हैं। दूसरा आ जाता है सुपर टेक टाउनशिप। ठीक है, ये 1504 फ्लैट उसके हैं। देखिए, सुपर टेक टाउनशिप और सुपर टेक जो इंफ्रा है वो अलग है। ठीक है, जो सुपर टेक लिमिटेड है एक ही कंपनी की, काफ़ी सारी कंपनी बना लेते हैं ये लोग ताकि इसमें जो है अपना टैक्स भी बच सके और इनका जो है ऑपरेशन कॉस्ट भी सबका अलग अलग आ सके। सबके अलग अलग हीरो होते हैं, इनके हीरो समझ रहे हो ना, जो इसको संचालन करते हैं, इसको जो है ऑपरेट करते हैं। काफ़ी सारे जो हैं क्या कहिए, लूप होल कहिए इसको या फिर ट्रिक कहिए, बिजनेस को चलाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ, ये करना पड़ता है। ठीक है, सर हर कोई कर रहा है छोटे से बड़ा, सिर्फ एक गाइडर एक मेंटर उनको मिलना चाहिए और बस वो जो है कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो है ओआसिस आ जाता है, उसमें जो है 701 फ्लैट हैं, 3C होम्स करके है, उसमें 502 फ्लैट हैं जो अभी बकाया हैं नहीं मिले हैं लोगों को देने हैं उनके। और ओरिस इंफ्रा है, ठीक है, उसमें 94 फ्लैट हैं। ATS वाले के आपके 704 फ्लैट हैं, और IITL निप्स करके जो है बिल्डर उसके 643 फ्लैट हैं जो कि लोगों को देने हैं। सुपर टेक लिमिटेड के 2265 और इन सब का बाप है JP एसोसिएट, 2884 फ्लैट अभी जो है लोगों को देने हैं। तो कितने टाइम से इनको ये जो बना बना के रखे हुए हैं, जाले वाले लग गए होंगे वहाँ पे, पानी वानी भरा होगा, टूटी वूटी खिड़कियाँ, ये सब क्या होता है इससे। जब आपने ज़मीन ले ली और उस पर काम बना दिया, पैसा लगा दिया, तो आपको पैसा भी मिल गया, क्यों नहीं दे रहे हो यार आप लोग, समझ में नहीं आ रहा होता है। टोटल 21,396 यूनिट यानी कि फ्लैट कहिए आप इनको बाकी थी जो कि देने थे। तो अभी ये जो है देखिए ये क्या करते हैं कि अथॉरिटी को पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, अथॉरिटी को पैसा नहीं मिलता है, वो उनको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देती है और आपको जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देती है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को दिक्कत होती है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अब शायद इनको पैसा दे दिया होगा इन्होंने जैसे तैसे, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अथॉरिटी भी कोई इतनी दूध की धुली तो नहीं है कि वो आपको जो है वैसे ही दे देगी, आपके लिए मुहिम छेड़ रही है वो, कोई मुहिम मुहिम नहीं है, पैसा मिल गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ 31 मार्च तक जो है इन्होंने 5,538 फ्लैटों की जो है सब लीज़ करा दी है। ठीक है, उनको पोजेशन क्या लीजिए दे दिया है, मिला है नहीं मिला इससे कोई उनको सरोकार नहीं है, उन्होंने लीज़ करा दी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना इस एरिया में जो आपका नोएडा से इधर उधर एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो फ्लैट टाइप के हैं वो क्या करते हैं कि उसको रेंट पे देने की कोशिश करते हैं। रेंट तो जब भी आएगा ना वहाँ कोई रहेगा नहीं भाई। 2600 फ्लैट कई जो है सितंबर में हो चुकी है, सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक हो चुकी है, और अब 3876 फ्लैट ऐसे हैं जिनकी कि 31 दिसंबर तक के लिए बात की जा रही है। तो ये थी रिपोर्ट जो कि मैंने नेट से ही उठाई है, मैं कोई अलग से नहीं ला रहा होता हूँ, कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से लाते हो ये, तो भाई सब वहीं पे ही है, बस मैं देखता रहता हूँ। और यहाँ पर चूंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, आप लोगों का सहयोग मिल जाता है, तो उसी बात को जो है मैं आप तक पहुँचाता हूँ, बस इतना सा ही है मेरा योगदान, मैं कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि कुछ इनपुट्स दे देते हैं मुझे,
कुछ टिप दे देते हैं या कुछ मेरे को जो है अंदर की बात बता देते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, सब ओपन बुक है, कोई ऐसा वो नहीं है। और जो लोग भाई साहब ये कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर फ्लैट दिला दो या वहाँ पर कोई फ्लैट हो या प्लॉट हो तो वो दिला दो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ भैया मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप ठीक है, आपने पूछा है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरी वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप पूछोगे, लेकिन यहाँ पर मैं सभी को ये चीज़ बता देता हूँ और बार बार बताता हूँ कि मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर का काम या प्रॉपर्टी डीलिंग में डील नहीं करता हूँ। जो लोग करते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, जो कि दिल्ली NCR इन्वेस्टमेंट ट्रैक के नाम से है, तो आप जो है उस पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं लिंक भी नीचे डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम सारे मिल करके जो है एक दूसरे की जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं तो कम ही करता हूँ, खैर ठीक है, वो बाकी के लोग हैं वो पहले ही मेरे से पहले ही जो है कर लेते हैं, क्योंकि मुझे समय थोड़ा सा तंगी रहती है, मुझे हमेशा से ही रही है। खैर दोस्तों, चलता हूँ, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।